हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर लक्ष्मी किचन। आज बनाएंगे राजमा मसाला, तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल भरकर राजमा को ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं। यहाँ पर कश्मीरी राजमा लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी राजमा ले सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजमा पानी में अच्छे से फूल गया है, अब इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे। तो एक प्रेशर कुकर लेंगे और सारे राजमा को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे खड़े मसाले। तो मैंने यहाँ पर दो तेज पत्ता लिया है, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो से तीन इसमें लौंग ऐड कर देंगे। राजमा थोड़े से हैवी होते हैं और ये खड़े मसाले डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, तो दो कप के करीबन मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दे रही हूँ। राजमा को सॉफ्ट करने के लिए एक चौथाई छोटी चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। कवर करके इसको गैस स्टोव के ऊपर 4 to 5 विसिल तक इसको कुक करेंगे। इसको कवर कर देंगे, गैस स्टोव के ऊपर रख देंगे। 4-5 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद एक बार चेक कर लेंगे कि राजमा अच्छे से सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो एक बार मैं एक राजमा को प्रेस करके देखती हूँ, राजमा एकदम से सॉफ्ट हो गया है। गैस के ऊपर पैन या फिर कढ़ाई रख देंगे, उसमें डालेंगे 1/2 कप के करीबन ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें 2 pinch हींग ऐड कर देंगे और 1 spoon इसमें जीरा ऐड कर देंगे। बारीक चॉप्ड इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। सभी को एक बार अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इसमें 1 spoon के करीबन जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और एक बार फिर से इसको मिला लेंगे। जब भी हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें तो गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दें। लंबे शेप में कट की हुई इसमें जिंजर ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है जिंजर का। और इसमें लंबी शेप में कटी हुई इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, साथ इसमें बेसिक मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 spoon इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1 spoon इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 1/2 spoon इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। राजमा की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले भी अपलोड की है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अब इसमें 1/2 teaspoon इसमें नमक ऐड कर देंगे और सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। नमक ऐड करने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको कवर करके 5 to 10 minutes के लिए अच्छे से कुक होने देंगे, जब तक कि मसाले में से ऑयल अलग ना हो जाए और मसाला ड्राई ना हो जाए। 5 minutes हो गया है और मसाले में से ऑयल भी आपको अलग होते हुए दिख रहा होगा। एक बार मिला लेंगे और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए इस पर मैं ऐड करूँगी कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। राजमा बना रहे हैं और राजमा के मसाले के बिना बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा, तो इस पर मैं एवरेस्ट का राजमा मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 spoon इस पर राजमा ऐड कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिला लीजिए। मसाला ऐड करने के बाद 1 minute के लिए पकने के लिए हम छोड़ देंगे और उसके बाद जो हमने राजमा बॉयल किए थे उसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 minutes के लिए ग्रेवी को पकाएंगे, तो इसको कवर कर देते हैं। तो राजमा की जो ग्रेवी है उसको पकते पकते 5 minutes हो गया है, तो इसमें हम कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे और साथ ही 1 spoon इसमें बटर ऐड कर देंगे। बटर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब भी आप राजमा और राइस खाएँ तो ऊपर से इसमें बटर ऐड कर लें, उससे राजमा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो लीजिए, राजमा बनकर रेडी है, आप इसको एंजॉय करें राइस के साथ। और साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।